दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम चर्चा करेंगे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी ICAR से संबंधित। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं रजिस्ट्रेशन इसके हो चुके हैं, उसकी लास्ट डेट निकल चुकी है, आपने चॉइस फिलिंग भी कर दी है। कुछ स्टूडेंटों का नॉट लॉकड लिखा रहा, कुछ स्टूडेंटों का लॉक हो गया, सेव हो गया, तो इस पर आपको घबराने की कोई बात नहीं है दोस्तों। एक्चुअली ये सबका सही है, इसमें कोई समस्या आने वाली नहीं है। तो दोस्तों यहाँ तक की कार्यवाही के बारे में आप सारी अपडेट ले चुके हैं, बात करते हैं आगे की कार्यवाही। तो दोस्तों आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए जिससे कि आपको एक अपडेट मिल सके। तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, सबसे पहले जो एक काउंसलिंग का शेड्यूल था इस पर हम पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करते हैं। अनाउंसमेंट ऑफ सी रिजल्ट दोस्तों ये आपका आ चुका था। डाउनलोड ऑफ रैंक एंड रैंक कार्ड ये आपने डाउनलोड कर लिया था दोस्तों 6 नवंबर को। इसके अलावा दोस्तों स्टार्ट ऑफ कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन डिस्प्ले सीट मैट्रिक्स ये आपका 7 तारीख को स्टार्ट हो गया था। इसके बाद दोस्तों अपन बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट थी इसमें 24 घंटे और बढ़ा दिए थे, ये 12 नवंबर की जगह 13 नवंबर को रात 12 बजे तक कर दिया गया था। यहाँ तक भी दोस्तों आपको मालूम है। अब अपन बात करते हैं काउंसलिंग में अगला प्रोसेसिंग क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता देता हूँ 17 नवंबर को आपको रेडी रहना, जिन स्टूडेंटों के अच्छे नंबर हैं या सबको वेट करना। सीट अलॉटमेंट एंड स्टार्ट ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग बाय द कैंडिडेट ऑनलाइन रिपोर्टिंग एंड दोस्तों 13 तारीख को आपको सीट अलॉट हो जाएगी। जिन जिन स्टूडेंटों को सीट मिली है उनको अलॉट हो जाएगी। अब आप ये सोच रहे होंगे सर हमें कैसे पता चलेगा सीट अलॉट हुई है नहीं, तो दोस्तों ऐसे कोई फिक्स पता नहीं चलेगा किस किस को हुई है। जिन जिन स्टूडेंटों को सीट अलॉट होगी वो अपना ICAR की ओरिजिनल साइट पर जाकर देखें, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालें, पासवर्ड डाल के लॉगिन करें। अगर आपको सीट मिली है तो दोस्तों आपकी लॉगिन होके आपको आ जाएगा कॉलेज का नाम, ये सीट मिली है या ये नहीं मिली है, या नहीं मिली है तो सॉरी लिखाया जाएगा, मिली है तो आपको कॉलेज का नाम लिखाया जाएगा। इसके बाद दोस्तों मैं नेक्स्ट अपडेट देता हूँ। जैसे ही आपको सीट मिल चुकी है तो दोस्तों आपको एंड ऑफ ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग बाई कैंडिडेट, आपको अपने दोस्तों डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अब आप सोच रहे होंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, तो दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में मैं बताऊँगा आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपलोड कौन कौन से करने हैं। इसके अलावा जब आपको सीट फिक्स हो जाएगी, आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई पैसा मतलब कोई गलती ना हो, इसके अलावा और कुछ भी हो, तो दोस्तों बाकी बचे हुए डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ यूनिवर्सिटी पहुँच के करने हैं। तो ये मैं आपको बाद में बताऊँगा इसी वीडियो के लास्ट में कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। इसके अलावा दोस्तों आप इस वीडियो में बने रहिएगा और मैं आपको दिखा देता हूँ एंड ऑफ काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स वेरीफिकेशन बाई यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों आपकी ये जैसे आप 20 तारीख को डॉक्यूमेंट्स 5 बजे तक सबमिट कर दोगे, यूनिवर्सिटी आपको 22 तारीख तक आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेगी कि आपके सही हैं या नहीं। इसके अलावा एंड ऑफ रीसबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय कैंडिडेट, अगर किसी स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट्स में कोई भी दिक्कत आती है तो दोस्तों आपको 23 तारीख तक का समय दिया जाएगा 12 बजे के समथिंग। आप उनको दोबारा से देखो 23 तारीख को फिर वापस आप उसको दोबारा यूनिवर्सिटी में सेंड कर सकते हो। तो दोस्तों ये यूनिवर्सिटी अच्छा काम करेगी, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स में आपके में समस्या आ रही है तो उसको आपको एक बार और मौका दिया जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट्स आपका गलत है, इसका प्रिंट अच्छा नहीं आया, इसमें ये मिस्टेक है। इसके अलावा दोस्तों एंड ऑफ सीट एक्सपेक्ट, इसके अलावा दोस्तों फीस डिपॉजिट करना आपको दोस्तों हर स्टूडेंट को। इस बार आप सोच रहे होंगे कितना फीस जमा कराना, तो दोस्तों 10,000 रुपये आपको सबको इसमें फीस स्ट्रक्चर जमा करानी है। इसके अलावा दोस्तों जैसे आपको कॉलेज मिल जाए तो आपको रिपोर्टिंग बाय यूनिवर्सिटी में फिर आपको रिपोर्ट करना है 25 नवंबर को। तो दोस्तों ये सिस्टम है आपका। अब जैसे ही जिन स्टूडेंटों को फर्स्ट काउंसलिंग में सीट मिल गई उनका ये सिस्टम है। अब ये तो है ना कि सारे स्टूडेंट पहुंचेंगे या सारी सीटें मिल जाएंगी, कुछ सेकंड राउंड में भी रहेंगी, तो सेम सिस्टम आपका सेकंड राउंड में। अब देखो सेकंड राउंड में अपन चर्चा करते हैं, जिन स्टूडेंटों को सेकंड राउंड में सीट मिलेगी वही सेम सिस्टम दोस्तों, सीट अलॉट होगी 30 तारीख को। इसके अलावा आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग कितने को करनी है 3 दिसंबर को। इसके अलावा दोस्तों आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरीफिकेशन जो करेंगे वो 5 तारीख तक करेंगे। इसके अलावा एंड दोस्तों डॉक्यूमेंट्स का जो वो होगा उसमें ये होगा, फिर आपके लिए वापस उसके लिए चेक करेंगे। इसके अलावा फिर आपको 10,000 रुपये फीस जमा करानी पड़ेगी, ये पूरा सिस्टम चलता रहेगा। इसके अलावा दोस्तों ऐसा भी होगा जिन स्टूडेंटों को सेकंड राउंड में नहीं मिलेगा उनके लिए फिर थर्ड राउंड, सेम कंडीशन दोस्तों थर्ड राउंड में होगी, यही अलॉटमेंट होंगे, डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने, फिर दोबारा डॉक्यूमेंट्स आपको वो चेक करेंगे, फिर इसके अलावा दोस्तों अगर कोई मिस्टेक है फिर वापस आएंगे, फिर तुम्हें दोबारा भेजेंगे, फिर 10,000 रुपये फिर जमा कराना। ये अभी उन्होंने 3 राउंड की काउंसलिंग का सिस्टम दे रखा है, लेकिन इसका मतलब यही नहीं है कि 3 राउंड ही होंगे, हो सकता है 4 राउंड हो जाएँ, 5 राउंड हो जाएँ, 6 राउंड हो जाएँ, ऑफलाइन मॉप अप राउंड काफ़ी लंबी चलेगी ICAR की, क्योंकि
इस बार कोरोना की वजह से स्टूडेंट्स काफ़ी स्टेटों की काउंसलिंग अभी MBBS या नीट की स्टार्ट हो रही है, तो कई स्टूडेंट ऐसे भी कॉमन हैं जिनका ICR में भी हो रहा है, नीट में भी हो रहा है, तो वो उनको अगर गवर्नमेंट सीट MBBS में मिल जाएगी तो ICR छोड़ेंगे, तो आपका ये काउंसलिंग का प्रोसेसिंग काफ़ी लंबी चलेगी। तो दोस्तों ये तो इसमें जानकारी थी, और बाकी दोस्तों जैसे ही इसका रिजल्ट आ जाएगा, अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, आपको वीडियो बना के अपलोड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, एक्चुअली मैं आपके साथ जब तक ICR की लास्ट काउंसलिंग कंप्लीट नहीं हो जाएगी मैं आपके साथ बना रहूँगा। इसके अलावा दोस्तों जो स्टूडेंट का डाउट है कि सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें अपलोड करने हैं, तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कौन कौन से अपलोड करने हैं। आप एक बार स्क्रीन पर देखते रहिएगा, थोड़ा सा वो उसके मैंने अलग से फ़ोटो खींच के मैं एक बार आपको बता देता हूं दोस्तों। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो दोस्तों, ये आप देखो एक बार, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स सेंड करने। तो दोस्तों अगर ये राइट का निशान लग रहा है तो ये आपको डॉक्यूमेंट्स काउंसलिंग के टाइम चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अलॉट ये काउंसलिंग के बाद, अगर देखो आप इस पर राइट लग रहा है तो देखो ये लिख रहा है प्रूफ ऑफ डेट बर्थ, डेट ऑफ बर्थ दोस्तों हाई स्कूल एंड क्लास 10th के बाद में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट होगा वो आपको अभी अपलोड करोगे तब चाहिए, इसके अलावा बाद में चाहिए। बाद में तो ये सारे चाहिए, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। आपको ये देखना अपलोड कौन कौन से करने, ऑल सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट रिपोर्ट दोस्तों जो आपके 10th 12th की मार्कशीट है वो आपको सभी अपलोड करने। इसके अलावा ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मतलब जो TC है वो आपको अपलोड करनी है। एडमिट कार्ड इश्यू ऑफ द कैंडिडेट बाई NTA, दोस्तों NTA जो अभी एडमिट कार्ड किया है इसकी अभी कोई आवश्यकता नहीं है, अपलोड नहीं करना। कंप्यूटर का जो दोस्तों कंफर्मेशन पेज है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट NTA वो भी नहीं करना है आपको। इसके अलावा दोस्तों काउंसलिंग लेटर इश्यू बाई द ICR ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट ये भी नहीं करना दोस्तों। अलॉटमेंट लेटर इश्यू बाई द ICR ऑफ एलिजिबल कंडीशन ये भी नहीं करना दोस्तों। ये अभी जो नहीं कर रहे उनको पता है, तभी तो आपको काउंसलिंग इन्वाइट किया जा रहा है जब आपके पास हैं, अगर आपके पास नहीं होते तो क्यों बुलाया जाता। इसके अलावा प्रोविजनल एडमिशन लेटर इश्यू बाय द एडमिशन यूनिवर्सिटी ये भी नहीं करना है आपको। पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ सेम एज अपलोड एट द, दोस्तों आपने जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो अपलोड जब फॉर्म भरा था वो जो किया था वो भी नहीं करना है आपको। आधार कार्ड और 28 डिजिटल एनवायरमेंट ID प्रूफ कॉपी पासपोर्ट, दोस्तों आपके पास जो पासपोर्ट कॉपी है वो आपको सबमिट करनी है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो आपको सबमिट करना है। इसके अलावा कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्कूल, जो लास्ट आपने स्कूल छोड़ा उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट करना है। कॉपी ऑफ ST SC ST OBC दोस्तों जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। तो दोस्तों ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, ये कहने का मतलब ये कि आपको वो डॉक्यूमेंट्स, और इसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट, अगर दोस्तों आपके पास अगर मेडिकल सर्टिफिकेट है, आप हैंडीकैप्ड हो या फिजिकल हैंडीकैप्ड हो या कुछ ऐसे हो या फिर 6x6 को आपकी वो होना चाहिए, तो वो आपको अपलोड करना है। अब दोस्तों इसका कहने का मतलब ये है कि आपको वही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने जो ICR से संबंधित नहीं हैं, जैसे ICR का एडमिट कार्ड नहीं करना, ICR का रजिस्ट्रेशन किया वो नहीं करना, ICR का जो आपको NTA से जो डॉक्यूमेंट्स आपने चालू किए उनको छोड़ के जो आपके बेसिक हैं 10th की मार्कशीट 12th की मार्कशीट आधार कार्ड, इसके अलावा दोस्तों आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, इसके अलावा दोस्तों आपको कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, जो आपके बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आप डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको अपलोड करने हैं। इसके अलावा दोस्तों बचे हुए आपको जैसे कॉलेज अलॉट हो जाएगा, आपका कॉलेज में जैसे ही अलॉटमेंट होगा आपको बचे हुए डॉक्यूमेंट्स वहाँ टिक करने। तो दोस्तों ये आज की अपडेट थी जो आपको मैंने बता दी है। इसके अलावा दोस्तों जैसी वीडियो आएगी या फिर जैसी काउंसलिंग का अलॉटमेंट लेटर आएंगे मैं सबसे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो दोस्तों जुड़ जाइए, जिससे कि जैसे ही मैं वीडियो डालूं आपके पास नेक्स्ट नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।